देवभूमि मध्य प्रदेश के मंडी जिला के करसोग में सुकेत रियासत की प्राचीन राजधानी रही पांगड़ा के समीप चमत्कार हुआ। यहां महिषासुर मर्दिनी देहरा मंदिर के सराय निर्माण दौरान भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति सामने आई है, जिसके प्रति क्षेत्र के लोगों की बहुत ही आस्था उमड़ी है। और साथ ही बताया कि जो यहां पे मूर्ति निकली, ये हमारे खुदाई में यहां पे डंगे से निकली ये मूर्ति। और ये जो है सूर्य नारायण भगवान की मूर्ति है, जो कि बहुत प्राचीन है, ऐसा जो मतलब कि पुरातत्व विभाग वाले बता रहे हैं। बता दें, वहीं साहित्यकार डॉक्टर जगदीप शर्मा के अनुसार जो भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति खुदाई में मिली है वह लगभग 1000 साल प्राचीन है, तथा इस मूर्ति निर्माण में ईरान की कला का प्रभाव होने की पुष्टि पुरातन विभाग द्वारा की गई है। उन्होंने बताया कि भगवान सूर्य नारायण की जो मूर्ति मिली है वह करीब 1.5 फुट ऊंची है। सुकेत की प्राचीन राजधानी पांगना में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सूर्य नारायण की मूर्ति का मिलना यहाँ के इतिहास में एक मील पत्थर है। गौरतलब है कि पांगना का इतिहास महाभारत कालीन पांडवों के लाक्षागृह से छदम रूप से इस हिमालय क्षेत्र में रहने से जुड़ा हुआ है। यह भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि 12वीं सदी से पहले भगवान सूर्य नारायण की पूजा की जा रही है। धार्मिक इतिहास की जानकारी रखने वाले डॉक्टर हेमेंद्र बाली, डॉक्टर जगदीश शर्मा ने इस पर अपनी राय दी है।